हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फ्लाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है गृह विज्ञान का माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान बनाते वक्त जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो तो यही रहेगा, सबसे पहले डेट डलेगी लेफ्ट हैंड पर, फिर बीच में विषय उपविषय डलता है, इसमें विषय के बाद उपविषय आएगा। उपविषय में आपको गृह विज्ञान ही डालना है यदि गृह विज्ञान है, और यदि उपविषय कुछ और है जैसे कि विज्ञान में तीन उपविषय होते हैं, भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान, इसी तरह से गृह विज्ञान में कोई उपविषय नहीं होता, लेकिन आप लिख दीजिए उपविषय में गृह विज्ञान। उसके बाद आता है प्रकरण। प्रकरण यानी कि टॉपिक, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। कौशल, प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। राइट हैंड पर आएगा कक्षा, जिस भी कक्षा को पढ़ाया गया है। कालांश यानी कि कौन सा पीरियड था वो। समय अवधि, समय अवधि 5 से 10 मिनट ही रहेगी। विद्यालय का नाम, जिस भी स्कूल से आप बीएड कर रहे हैं वो उस विद्यालय का नाम आएगा। फिर नीचे है छात्र अध्यापक क्रियाएं यानी कि आपकी क्रियाएं। आप स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछेंगे जो टॉपिक आपको पढ़ाना है, वहाँ तक आपको स्टूडेंट को लेके आना है, तो इसलिए आप उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चे जवाब दे दें, स्टूडेंट जवाब दे दें। सबसे लास्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो टॉपिक आपको पढ़ाना है, ऑब्वियसली बच्चों को नहीं पता होगा क्योंकि उनके लिए नया होगा, फिर इसीलिए उद्देश्य कथन में कहा जाएगा आज हम जो भी टॉपिक है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। आगे जो लिखा हुआ है राइट हैंड पे, क्रमांक, घटक, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल आपके टीचर देंगे, बाकी सब आपको एज इट इज लिखना है। ये जो माइक्रो लेसन प्लान होता है इसमें जो पाठ योजना होती है 5 तरह की होती है, मतलब कौशल जो यूज़ किए गए हैं वो 5 तरह के हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है व्याख्यान। व्याख्यान का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये विद्यालय का नाम तो सेम ही रहेगा जिस स्कूल से आपने बीएड किया है। छात्र अध्यापक क्रियाएं, व्याख्यान में आप उसे एक्सप्लेन करेंगे जो अभी टॉपिक आपने को पढ़ाना था, पीछे आपने जो टॉपिक का बताया कि आज हम इस विषय में अध्ययन करेंगे वो आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। उसके नीचे आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि पिछले पेपर में आपने किया था, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक में लिख दीजिए छात्र अध्यापक क्रियाएं और एक में बच्चे जवाब दे देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न प्रवाह। प्रश्न प्रवाह में आपने जो टॉपिक पढ़ाया है वो वाले क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चे उसका जवाब दे देंगे, मतलब हम ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है दृष्टांत कौशल। इसका मतलब आपको कोई भी चित्र बच्चों को दिखाना है, उस चित्र के बेस पे बच्चों से आपको क्वेश्चन पूछेंगे और चित्र इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे सभी क्वेश्चंस के जवाब दे दें। नेक्स्ट है श्यामपट कौशल। इसमें आपको एक ब्लैक बोर्ड लगाना है, ब्लैक बोर्ड पर जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उस टॉपिक को शॉर्ट में लिखना है। तो ये था माइक्रो लेसन प्लान। गृह विज्ञान का 5 कौशल होते हैं। विषय के बाद उप विषय को मेंशन कर लीजिए। विषय के ठीक नीचे आएगा उप विषय, उसके नीचे प्रकरण और उसके नीचे कौशल आता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।